भारत की अगुवाई में अफगानिस्तान के हालात पर हुई 8 देशों की बैठक, काबुल और इस्लामाबाद को दिया कड़ा संदेश। हिंदुत्व की तुलना ISIS से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से हुई शिकायत। पुलिस हिरासत में मौत पर सियासी बवाल, प्रियंका का कासगंज दौरा रद्द, अब सलमान खुर्शीद जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 नए कोरोना केस दर्ज, 340 लोगों की गई जान। आज तमिलनाडु के तट पर पहुंच सकता चक्रवाती तूफान, 9 जिलों में रेड अलर्ट, अब तक 12 की मौत। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 ड्रग्स तस्कर, डार्कनेट के जरिए विदेश से मंगा रहे थे ड्रग्स। दलाई लामा ने चीन पर साधा निशाना, कहा विविधता को नहीं समझते हैं वहां के नेता। क्रिप्टो करेंसी को लेकर RBI गवर्नर ने दी चेतावनी, अर्थव्यवस्था के लिए बताया खतरनाक। ICC T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम की परफॉर्मेंस देख ब्रेटली ने कहा लग रहा विश्व कप जीतेंगे हम, आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला। सिंगम 3 के कॉन्सेप्ट को लेकर खुलासा, रोहित शेट्टी और अजय देवगन की फिल्म कश्मीर में आर्टिकल 370 पर होगी आधारित।